धर्म के इर्द गिर्द बुनी गई दो फिल्में ओ माई गॉड और पीके पिछले दिनों हमें देखने को मिली थी और ताजा फिल्म धर्म संकट में का भी विषय यही है। इसका कंसेप्ट बेहतरीन है लेकिन कंसेप्ट पर बढ़िया स्क्रीन प्ले तैयार करने के मामले में अक्सर बॉलीवुड वाले मार खा जाते हैं। धर्म संकट में के साथ भी यही होता है। इस कंसेप्ट पर मनोरंजक फिल्म बनाई जा सकती थी लेकिन यह फिल्म बीच में ही हाफ जाती है। धर्मपाल हिंदू ब्राह्मण है, हालांकि वह ज्यादा धार्मिक नहीं है। अमित चाहता है कि आप पुजारी जी से थोड़ा धर्म का ज्ञान सीख लो। जलल जगत 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 पहले ध्यान से सुनिए। जगत 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 जलल। दो वयस्क संतानों के पिता धर्मपाल को एक दिन पता चलता है कि वह मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ था और उसे एक हिंदू परिवार ने गोद लेकर पाला पोसा। यह बात उसे हिलाकर रख देती है और वह अपने परिवार को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। याद रख, जो सही है वही दुरुस्त है। पंडित जी, मैं सही हूँ तो मैं दुरुस्त क्यों? धर्मपाल का बेटा अमित श्रद्धा से शादी करना चाहता है। श्रद्धा के पिता इस शादी के खिलाफ हैं क्योंकि धर्मपाल धार्मिक नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो ना, तो फिर मामला खत्म। मैं अपने पापा को टेंशन नहीं दे सकती। आप थोड़ा धार्मिक बन जाओ ना, बस थोड़ा सा पूजा पाठ करना है और टोपी पहननी है। अपने बेटे की खातिर धर्मपाल नीलानंद बाबा के आश्रम में जाने लगता है। धर्मपाल अपने बायोलॉजिकल फादर की तलाश करता है और उसे पता चलता है कि वे बहुत बीमार हैं। उसके पिता से मिलने की इजाजत इमाम नहीं देता है। वह एक शर्त रख देता है कि पिता से मिलना है तो मुस्लिम धर्म और रीति रिवाजों का पालन करना होगा। महमूद नामक वकील इस काम में धर्मपाल की मदद करता है। डाउन, इसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। ऑन योर नी बाउ। ये क्या कर रहे हैं? ये खड़ी टांग दंडवत है। जोसेफ और उसकी जौजा मोहतरम जब जहाज से जजीरे पे उतरे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। एक ओर धर्मपाल हिंदू तो दूसरी ओर मुस्लिम रीति रिवाजों को सीखता है। धर्म संकट में फंसा धर्मपाल किस तरह बाहर आता है, यह फिल्म का सार है। यह फिल्म ब्रिटिश फिल्म द इनफिडेल का हिंदी रीमेक है। धर्म संकट के साथ दिक्कत यह है कि इसके कंसेप्ट में एक बेहतरीन फिल्म बनने की संभावना का भरपूर दोहन नहीं हुआ। एक अच्छी शुरुआत के बाद निर्देशक और लेखक इसे ठीक से आगे नहीं ले जा सके। उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरह फिल्म को खत्म किया जाए। क्लाइमेक्स बुरा और बोरियत से भरा है। फिल्म अहम मौकों पर लड़खड़ा जाती है। धर्मपाल अपने परिवार को यह बताने में क्यों डरता है कि वह मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ है? इमाम के मना करने के बावजूद वह अपने पिता से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करता? बाबा नीलानंद को बेवकूफ की तरह पेश किया गया है, फिर भी लाखों लोग उसके अंधभक्त कैसे बनते हैं? इन सब बातों को फिल्म में ठीक से पेश नहीं किया गया है, लिहाजा ये मनोरंजन में बाधक बनती है। फिल्म में कुछ मनोरंजक सीन हैं जिन्हें देख हंसा जा सकता है लेकिन इनकी संख्या सीमित है। कुछ दमदार संवाद भी सुनने को मिलते हैं जब धर्मपाल और महमूद एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालते हैं। धर्मपाल के धर्म संकट को अच्छी तरह पेश किया गया है लेकिन यह ट्रैक तब असर खो देता है जब जरूरत से ज़्यादा लंबा इसे खींचा गया है। निर्देशक फुआद खान ने फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश की है लेकिन स्क्रिप्ट का साथ उन्हें नहीं मिलने से वे असहाय नजर आए। फिल्म को परेश रावल ने अपने कंधों पर ढोया है। अपने बेहतरीन अभिनय से वे दर्शकों की दिलचस्पी फिल्म में बनाए रखते हैं। अन्नू कपूर ने उनका बेहतरीन साथ दिया है। दोनों के बीच फिल्माए गए सारे दृश्य उम्दा बन पड़े हैं। नसीरुद्दीन शाह वाला ट्रैक निहायत ही घटिया है। याद नहीं आता कि नसीर ने इतनी घटिया एक्टिंग पिछली बार कब की थी। धर्म संकट में इतनी बुरी भी नहीं है कि देखी न जा सके लेकिन ट्रेलर ने जो उम्मीद जगाई थी उस पर यह खरी नहीं उतर पाई है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।